गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, 27th मार्च के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। और जैसा कि मैं आप सबसे कहता हूँ कि करंट अफेयर्स इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर जीएस प्रिपरेशन, ना कि हिस्ट्री, ना कि पॉलिटी, ना कि ज्योग्राफी, बट करंट अफेयर्स कैरीज मैक्सिमम वेटेज इन योर जीएस एग्जाम्स। सो काइंडली बी एट योर होम टिल 14th of April, बिकॉज वी आर गोइंग थ्रू थर्ड फेज ऑफ COVID-19, दैट इज कम्युनिटी स्प्रेड। सो यू माइट गेट इफेक्टेड, सो प्लीज डोंट मूव आउट अंटिल इट इज़ वेरी नेसेसरी। तो आइए देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन क्या तैयार हो जाता है। विद स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज डिसाइडेड टू इंप्लीमेंट डेयरी कोऑपरेटिव स्कीम टू इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जम्मू एंड कश्मीर। जी हाँ, जम्मू एंड कश्मीर हैज इंप्लीमेंटेड डेयरी कोऑपरेटिव स्कीम टू बूस्ट इट्स मिल्क प्रोडक्शन। अच्छा, इस स्कीम में होगा क्या? इसमें आपका स्टेट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड 50% ऑफ द लोन टू एन इंडिविजुअल who can only hold 5% ownership in this project and 25% subsidy will be offered. This will facilitate integrated dairy projects, जिसमें आपके technical inputs भी होंगे, आपकी artificial insemination भी होगी, आपका packaging centers भी होंगे और भी ज़्यादा facilities provide होंगी। अच्छा, dairy cooperative scheme से आपको याद आया होगा that India की first dairy cooperative scheme 1946 में बनी थी। कहाँ? आनंद टाउन में, जो कहाँ है? कायरा डिस्ट्रिक्ट में। और ये क्यों बनी थी? टू फाइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्राइवेट ट्रेडर्स एंड टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ फार्मर्स। और लेटर यही आपकी अमूल सोसाइटी बनी थी, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, अमूल, कॉमनली नोन एज अमूल। और जम्मू एंड कश्मीर की बात है तो जम्मू एंड कश्मीर के आपके पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? जीसी मुर्मू जी। और अभी जम्मू एंड कश्मीर में दो तीन अपॉइंटमेंट्स और हुई हैं। फर्स्ट इज़ योर फोर्थ एडवाइज़र टू लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू इज बासीर अहमद खान, एंड योर चेयरमैन ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड कमीशन दैट इज़ जम्मू एंड कश्मीर एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड कमीशन, उसके चेयरमैन अभी बने हैं जीडी शर्मा जी, ही इज अ रिटायर्ड जज। द नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक लेगेसी ऑफ लर्निंग। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सविता छाबड़ा। जी हाँ, शी हैज रिटन अ बुक लेगेसी ऑफ लर्निंग, और दिस बुक डील्स अबाउट द सिंपलिस्टिक एंड रिलेटेबल इंटरप्रिटेशंस ऑफ भगवद गीता एंड इन एन अटेम्प्ट टू कनेक्ट यूथ टू ओल्ड एज, एंड शी इज द चेयरमैन ऑफ हाइजीनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड एंड शी इज ऑल्सो एन अवार्ड विनिंग बिजनेस वूमन। ऑप्शन ए देख रहे हैं, तबलीन सिंह। जी हाँ, इन्होंने ही अभी एक बुक लिखी थी, मसीहा मोदी। तरुण विजय, जी हाँ, इन्होंने ही अभी एक कॉफ़ी टेबल बुक लिखी थी, इनविंसिबल ऑन द लाइफ ऑफ एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा मिस्टर मनोहर पारिकर। एंड सदगुरु पाटिल अलॉन्ग विद माया भूषण नागवेंकर, इन्होंने एक बुक लिखी थी अगेन ऑन द लाइफ ऑफ मनोहर पारिकर जी, एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ ऑफ मनोहर पारिकर। और एक दो बुक अभी आपकी और रिलीज हुई हैं, आपकी ताहिरा कश्यप ने एक बुक लिखी थी 12 कमांडेंट्स ऑफ बीइंग अ वुमेन, इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की कोच WV रमन ने एक बुक लिखी थी अ विनिंग सिक्सर। और आपकी धर्मेंद्र राय जी ने एक बुक लिखी थी द माइंड मैप थिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, व्हेन इज इंटरनेशनल अचीवर्स डे ऑब्जर्व। तो सही जवाब होगा ऑन 24th मार्च। जी हाँ, 24th मार्च का आपका वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे भी होता है और उसी दिन आपका इंटरनेशनल डे फॉर अचीवर्स भी ऑब्जर्व किया जाता है। तो जैसे आपका ये मार्च का क्वेश्चन है तो एक जल्दी से मैं आपके सारे डे रिवाइज करा देता हूँ। 1st मार्च को आपका जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया जाता है, 3rd मार्च को आपका वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है, 6th मार्च को आपका नेशनल डेंटिस्ट डे मनाया जाता है, 7th मार्च को आपका जन औषधि दिवस मनाया जाता है, 8th मार्च को आपका इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है। और इस बार इसकी थीम थी आई एम जेंडर इक्वालिटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट। और 12th मार्च को आपका वर्ल्ड किडनी डे मनाया जाता है, एंड 13th मार्च को आपका वर्ल्ड स्लीप डे मनाया जाता है, 14th मार्च को आपका इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है, और आपका नेशनल मैथमेटिक्स डे 22nd दिसंबर को मनाया जाता है टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ रामानुजन, 15th मार्च को आपका वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे मनाया जाता है, और आपका 18th मार्च को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे मनाया जाता है,
और पहली आपकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहाँ पे सेटअप हुई थी? कासीपुर कोलकाता। एंड 20 मार्च को आपका वर्ल्ड हैप्पीनेस डे मनाया जाता है, और इस बार आपकी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी हुई है और उसमें फर्स्ट पे रहा है फिनलैंड, एंड इंडिया इज़ एट 144th पोजिशन आउट ऑफ 156 कंट्रीज। आपका 21 मार्च को वर्ल्ड फॉरेस्ट डे मनाया जाता है, और इस दिन आपका वर्ल्ड स्पैरो डे भी मनाया जाता है। यहाँ स्पैरो को ही आपकी हाउस बर्ड भी कहा जाता है। 22 मार्च को आपका वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है, और इसी दिन आपका बिहार दिवस भी मनाया जाता है टू मार्क द फॉर्मेशन ऑफ बिहार स्टेट। एंड 23 मार्च को आपका वर्ल्ड मिटीरियोलॉजी डे मनाया जाता है, एंड 24 मार्च को आपका इंटरनेशनल डे फॉर अचीवर्स तो मनाया ही है, और वर्ल्ड ट्यूबर क्लोसिस डे भी मनाया जाता है, जिसका इंडिया ने टारगेट सेट करा है टू एलिमिनेट टीवी 2025, एंड ग्लोबल टारगेट इज 2030। 28 मार्च को आपका अर्थ आवर डे मनाया जाता है, एंड 30 मार्च को आपका राजस्थान दिवस मनाया जाता है टू मार्क द फॉर्मेशन ऑफ राजस्थान स्टेट। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक कंपनी हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू गेट द COVID-19 टेस्ट किट वैलिडेटेड? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी माइलैब, एंड इट इज़ अ पुणे बेस्ड कंपनी, एंड इट्स टर्न अराउंड टाइम इज लाइक व्हेन यू जब आप टेस्ट करते हैं और ये रिजल्ट प्रोड्यूस करती है और आपको आपको बताती है कि आप पॉजिटिव हैं या नहीं कोरोना वायरस से, इज 2.5 आवर्स। एंड इसे ही आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने वैलिडेट कराया है, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी अभी न्यूज़ में था बिकॉज इट इज़ द इंस्टीट्यूट इन इंडिया विच सेपरेटेड 11 स्ट्रेन्स ऑफ COVID-19, एंड ऐसा करने वाली इंडिया 5th कंट्री बन गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार रखा है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद IIFT टूरिज्म इम्पैक्ट अवार्ड? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जोया अख्तर, अमिताभ बच्चन। जी हाँ, ये आपके IDBI फर्स्ट बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर बने थे, और ये आपके गुजरात टूरिज्म के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। दीपिका पादुकोण, इन्हें ही अभी क्रिस्टल अवार्ड मिला था टू स्प्रेड द अवेयरनेस अबाउट द मेंटल हेल्थ। एंड AR रहमान, ये आपके सिक्किम के ब्रांड एम्बेसडर हैं, एंड आपके गोविंदा आपके मध्य प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार रहता है, सुमंत कथपालिया हैज बीन अपॉइंटेड एज MD & CEO ऑफ विच बैंक? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इंडसलैंड बैंक। जी हाँ, इंडसलैंड बैंक के ही नए MD और CEO अपॉइंट हुए हैं सुमंत कथपालिया, और इंडसलैंड बैंक का हेडक्वार्टर है आपका पुणे में, एंड इट वॉज फाउंडेड बाय हिंदुजा ग्रुप। SP हिंदुजा वॉज इट फाउंडर। IDBI फर्स्ट बैंक, यहाँ IDBI फर्स्ट बैंक ने ही अभी येस बैंक के 25 करोड़ इक्विटी शेयर्स खरीदे हैं, एंड SBI बैंक ने ही येस बैंक के 49% स्टेक्स खरीदे हैं एट 7,250 करोड़। एंड SBI बैंक अभी और न्यूज़ में था बिकॉज इट हैड स्टार्टेड COVID-19 लाइन ऑफ क्रेडिट। इट इज़ अ क्रेडिट स्कीम फॉर द हेल्थ इम्पैक्ट्स ऑफ COVID-19, एंड इट्स इंटरेस्ट रेट इज 7.5%। येस बैंक के लिए ही RBI हैज स्टार्टेड रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम, एंड इसके अभी न्यू MD & CEO अपॉइंट हुए हैं प्रशांत कुमार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार रहता है, इंडिया हैज़ बीन ट्राइंग टू एडवोकेट विच गेम्स एंट्री इन टोक्यो ओलंपिक्स 2020? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कबड्डी। जी हाँ, इन अ रिटन रिप्लाई योर स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू आंसर दिस क्वेश्चन, शूटिंग इज दी डिसिप्लिन विच कॉमनवेल्थ गेम्स विच आर सपोज टू बी हेल्ड इन 2023 इन बर्मिंगम इज ऑप्टिंग आउट। शूटिंग इज बीन ऑप्टिंग आउट ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स एंड इंडिया इज प्रोटेस्टिंग इट। एंड स्केटबोर्डिंग इज वन ऑफ द 5 स्पोर्ट्स विच हैव बीन इंक्लूडेड इन टोक्यो ओलंपिक्स 2020, एंड इसके ही आपके मैस्कॉट हैं मैरियतोवा एंड सुमिति। सुमिति इज योर पैरा ओलंपिक्स मैस्कॉट। एंड अभी एक न्यूज़ भी आई थी दैट कैनेडा हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू ऑप्ट आउट फ्रॉम टोक्यो ओलंपिक्स। कुरिल आइलैंड विच वर रिसेंटली इन न्यूज इज इन विच कंट्री? तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, रशिया। यहाँ आपका वेडनेसडे को ही इन कुरिल आइलैंड 7.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है, विच इज एट अ डेप्थ ऑफ
56.7 किलोमीटर। इट्स एपिसेंटर वाज एट द डेप्थ ऑफ 56.7 किलोमीटर एंड इट इज लोकेटेड 1400 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ जापान। एंड जापान को ही आपका रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ सो मैनी वॉल्केनोज एंड विच रिजल्ट्स इन अर्थक्वेक। और रशिया के ही आपके न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर हैं मिखेल मिशुस्तिन। एंड क्रोएशिया, क्रोएशिया में भी अभी आपकी अर्थक्वेक आया था विच वॉज ऑफ मैग्नीट्यूड 5.4 एंड इट वॉज इन जागरेब। एंड क्रोएशिया के ही आपके नए प्रेसिडेंट हैं जोरान मिला नोविक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इनवोक विच सेक्शंस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट विच मैंडेट अप टू 2 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी सेक्शन 51 to 60। जी हाँ, आपका 21 डे लॉकडाउन पीरियड है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी वॉज फाउंडेड ऑन 30 May 2005 एंड ये नरेगा वॉज ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 2005। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के ही आपके चेयरपर्सन होते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार रहता है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया वॉज द फाउंडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टी। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। यहाँ ये अभी न्यूज में थी बिकॉज ऑन 23 मार्च राम मनोहर लोहिया दिवस मनाया गया था विच मार्क्स द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। ही अलॉन्ग विद JP नारायण एंड आचार्य नरेंद्र देव जी हैज फाउंडेड कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ऑन 23 मार्च 1934। और आपकी बहुजन समाज पार्टी इट वॉज फाउंडेड इन 1984। आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस इट वॉज फाउंडेड इन 1885 एंड योर तृणमूल कांग्रेस वॉज फाउंडेड इन 1998। तो वक्त हो चला है अपनी लास्ट वीडियो में पूछे गए प्रैक्टिस क्वेश्चन का कि विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज हैज रिसेंटली साइंड अ डील विद इंडिया फॉर द फ्लीट शिप्स। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी टर्की। जी हाँ, 5 फ्लीट शिप्स वर ऑर्डर्ड फ्रॉम टर्की विच विल बी डिप्लॉयड इन विशाखापट्टनम वाइजैग पोर्ट एंड इट वॉज अंडर डिस्कशन बिकॉज टर्की इज ऑल्सो अ पार्टनर ऑफ पाकिस्तान बट इंडिया हैड डिसाइडेड टू गो ऑन विद दिस डील विद टर्की। एंड USA के साथ ही अभी P8I एयरक्राफ्ट की डील हुई है विद इस कंपनी बोइंग। विद रशिया वी परचेज कामो हेलीकॉप्टर्स। तो आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, रिसेंटली इन न्यूज वॉट इज MACS 4028 वीट राइस कॉटन और ब्रिंजल एंड इफ यू नो द आंसर प्लीज राइट इट इन द कॉमेंट्स। तो जैसा कि मैं आप सबसे कहता हूँ, वेन एवर यू वॉच अ वीडियो ऑफ करंट अफेयर्स ऑलवेज रिवाइज इट बिकॉज द रिविजन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड एक्टिव टूल फॉर इफेक्टिव लर्निंग। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। थैंक यू।